मोदी जी का कौन चीज खराब है अब बताओ। मोदी जी से आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसा क्या है जो मोदी जी ने नहीं दिया है? काम करने वाले से लोग जलते ही हैं। वो अपने मन की बात कहते रहे, हम उसी में खुश हैं। हम नहीं बोलना चाहते। मुसलमान के पास क्या ऑप्शन बचा है? हमारे लिए बोलो तो सही। लोग साइलेंट हैं। विपक्ष तो देखिए पब्लिक डेवलप करती है। नेताओं के भाषण तो आप और हम सुन समझ लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो भीड़ होती है और उस भीड़ में चल रहे इंसान होते हैं, वे कैसे सोचते हैं, वे अपनी राय कैसे बनाते हैं? हमारे कई दिनों का सफर आपके लिए अगले कुछ मिनटों में। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। कौन सी स्कीम उनकी बहुत अच्छी लगती है आपको? अब हमको तो हर कोई पूरा स्कीम अच्छा लगता है। महंगाई कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं बैठते हैं चार लोगों के बीच में, तो वो लोग बोलते हैं कि महंगाई बहुत है। महंगाई बढ़ी है, आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, महंगाई बढ़ी है, रोजगार बढ़ा, कमाई भी तो बढ़ी है उसके हिसाब से। हम लोग मोदी जी के समर्थक, मोदी जी को इतना हम लोग चाहते हैं, उनका कुछ हर चीज अच्छा लगता है, कोई बोलता है तो बुरा भी तो लगता है ना। ऑपोजिशन के बारे में आप लोगों के क्या विचार है इंडिया के? इफ दे पुट अ विजन फॉरवर्ड देन वी कैन थिंक टुवर्ड्स वोटिंग विद देम आल्सो, बट दे शुड हैव अ विजन फॉर इंडिया आई थिंक। अभी जैसे ये इंडिया अलायंस वगैरह किया है उन लोगों ने, उसको देख के आप लोगों को क्या लगता है? मैनिफेस्टो पढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, सबका? आई हैव नॉट रेड इट एग्जैक्टली, बट आई नो अ लिटिल ऑफ इट। मैंने पढ़ा है नॉट होल थिंग, समथिंग जस्ट हाइलाइटेड इन न्यूज़ आई हैव सीन। अच्छा, मिस्टर राहुल गांधी बार बार कहते हैं कास्ट सेंसस, आई डोंट थिंक हमें वो चाहिए, बिकॉज वी शुड गेट अवे विद द कास्ट थिंग, गो बियॉन्ड दैट, थिंक ऑफ अवर सेल्स एज इंडियंस फर्स्ट। भैया हम तो क्या करता है हमसे, कौन को मिलना है हमसे, ये लोग नहीं। जब मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे, जो दो भारतीय सैनिकों का जो है सर काट करके पाकिस्तान वाले उठा ले गए, धड़ छोड़ दिए, तो वही मनमोहन सिंह क्या बोले थे संसद भवन में कि मैं जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा कड़ी निंदा करता हूँ। बताइए निंदा कैसे होता है? यदि आज जो है कि मोदी सरकार में पहले किसकी हिम्मत नहीं है कोई जो है कि पाकिस्तान या कोई सर काट के ले जाए। तो चाइना के बारे में पता है कि नहीं, लद्दाख में जो हुआ है वो? नहीं, उसके विषय हम लोग नहीं पता है। हाँ, अब हम लोग उतना नहीं केयर करते अपना। तो गलवान घाटी में क्या हुआ उसके बारे में पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। नहीं पता है, अब हमको नहीं पता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हम उनको सर आंखों पे रखते हैं, उनको देखने आए थे। मतलब शहर का तो विकास हुआ ही है, देश का जो हो अलग है। हम मुस्लिम हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हम लोग मिल के रहते हैं, लेकिन ये कुछ जगह ऐसा है, कुछ मोहल्ले में जाइए आप तो वहाँ बस वही हिंदू मुस्लिम की वजह से बस ही है, बाकी हम लोग इस मोहल्ले में हमारे इतना अच्छा है कि हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई हिंदू मुस्लिम का मामला कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी तो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसको लेकर भी कई विवाद उठ रहे हैं, उसको लेकर भी कई बयान चलते रहते हैं। तो आपका समुदाय इसको लेकर क्या सोचता है, क्या आपके मन में कोई असमंजस है इसको लेकर? हाँ, असमंजस तो है, उसको लेकर असमंजस है कि जो बातें हो रही हैं वो नहीं होनी, जो डिस्प्यूटेड मामला उस पर हमें और आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो देखेंगे, जो इंतजामिया कमेटी देख रही है वो देखेगी, वो बात करेगी, हमें उसमें क्या करना है, मगर उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो संविधान दे रहा है, मोदी जी के 4% या कांग्रेस के देने से नहीं मिल रहा है, जो हमारा संविधान कहता है हमें वो चाहिए, हमें आपका रिजर्वेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं 80% दिव्यांग हूँ, मैं नकली पैर पहन के यहाँ बैठी हूँ। दो तीन चीज़ें जो आप चाहेंगी कि वो तो होनी ही चाहिए 5 साल में, जो भी आरक्षण के तहत होता है उसमें दिव्यांगजनों को पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि वो अपनी बात को अपन रख सके लोकसभा विधानसभा में, ऐसे कोई रखता नहीं है। अभी सरकार की जितनी योजनाएं हैं गांव-गांव में नहीं पहुंच पा रही है। आज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप कहीं चले जाएंगे तो अगर आप बता देंगे मैं भारतीय हूँ तो आपको जो इज्जत और जो सम्मान मिलेगा वो आपको सिर्फ इस वर्ड से मिल जाएगा, मैं भारतीय हूँ। आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया आपने? जो भी इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, जो भी न्यूज़ देखते हैं, अभी जो वॉर हुआ था रसिया और उसमें,
उसमें भी देखा मैंने झंडे के बल पे ही लोग बाहर निकले आए, जो कि वार रोक दिया गया। इसको तो विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि ऐसा नहीं हुआ था, ये एक अफवाह उड़ाई गई थी। ठीक है सर, जो लोग बाहर देखे, मेरे दो तीन फ्रेंड बाहर जॉब करते हैं गल्फ कंट्रीज में, लेकिन उन्होंने बताया कि जो ईमानदारी एक इंडियंस को मिलती है वो पाकिस्तानी को नहीं मिलती है। क्या पसंद आता है उनके बारे में खास आपको? जो चीज़ें पहले नहीं हुई, जैसे ज्ञानव्यापी मंदिर का मसला उठा और अयोध्या मंदिर बना, जो इतने सालों में नहीं हुआ, और मथुरा का भी अब चल रहा है, तो हमारे लिए वो इस सदी के सबसे बड़े महापुरुष हैं। विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है, पहले आप बताइए। महंगाई तो बड़ी है, और लेकिन देश का बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है, तो हमारा ऐसे पर्सनल देखा जाए तो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन देश का बहुत बड़ा जो है प्रोग्रेस देखने को मिला है। घंटे से यहाँ पे आए हुए हैं। 3 घंटे से आए, वो 3 मिनट या 2 मिनट के लिए जहाँ आप मतलब उनको देख पाए, उतना ही बहुत है सर, उतना ही देख लेना उनको बहुत है, आश्वस्त हो गए हम लोग। अब वो और 5 साल जो मांग रहे हैं आपसे, अगले 5 साल, उस 5 साल में आप क्या देखना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं सर हम। तो उसके लिए तो संविधान बदलना पड़ेगा सर, अगर मेजॉरिटी आएगी तो संविधान भी बदला जाएगा। मोदी जी ने ही बोल दिया है कि अगर बाबा साहब आएंगे तो भी वो संविधान को नहीं बदल पाएंगे। सर कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास तो करते ही रहेंगे। देखिए सर, विरोध नहीं होना चाहिए। कई लोगों को ये सुन के भय होता है, उनको डर लगता है कि आगे चल के क्या वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। हम भी तो इस समय 7th-8th दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। इंडिया में क्या दिक्कत आती है आपको, मैं समझा नहीं आती क्यों नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत, देखिए सर, हम जैसे लोगों को दिक्कत नहीं है, हमारे जीवन में संघर्ष उतना नहीं है ना सर। हमारे बच्चे नहीं जानते कि गीता जी क्या है, रामायण क्या है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स की बहुत गलतियाँ हैं इसमें, परंतु हमारे स्कूल में भी पढ़ाया जाना चाहिए सर। मोदी जी की सबसे बेस्ट स्कीम क्या लगती है आप लोगों को? नारी शक्ति को आजकल वो है, सब कुछ है। अब कोई भी मतलब आजकल हिंसा नहीं हो पा रहा है कहीं भी कुछ भी। बोलिए भाई, अब युवा है, बोलिए। हाँ, डरो मत, जो आ रहा है बताओ। वोटर है नहीं है? हाँ वोटर है। हाँ तो बोलिए कि आपको क्या चाहिए सरकार से। भारत स्वच्छ बना रहे, बोलिए जो सुनना है जो बोलिए। कम से कम कुछ रोजगार दे, मतलब बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं फिर बेकार हो जा रहे हैं, कोई काम नहीं, बैठे हैं घर पर। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी कितनी निकालें? नौकरी बहुत पद खाली है, एक पद पर अब रेलवे में 1 लाख पद खाली है सर, चार भरना चाहे तो भर सकते हैं। पता नहीं मोदी जी क्यों नहीं जॉब नहीं निकाल रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे हैं। हमें गवर्नमेंट जॉब फिनिश करके प्राइवेट जॉब का किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते काम नहीं करते। अब आप सोचो कि मैं बैठे रहूं, मुझे खाना मिले तो वो भगवान भी नहीं देता है। और हमें जनसंख्या गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए बस। बीजेपी का जो पूरा मैनिफेस्टो वगैरह आया है ना चुनाव का, उसमें क्या अच्छा लगता है आपको, क्या प्रोग्राम अच्छा लग रहा है मोदी जी का? अभी प्रोग्राम क्या है, रोड शो था? नहीं मतलब अभी जो अगले 5 साल में अलग अलग चीज़ें करेंगे, आपने पढ़ा है मैनिफेस्टो बीजेपी का? नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़े। पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते लेकिन अभी तक देखे नहीं, मिला नहीं मेरे को। अच्छा, उसको देखिए बगैर वोट कर दोगे? ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं। सही बात, बिना पढ़े नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, चलो ठीक है, थैंक यू। अभी क्या है, पब्लिक का मूड थोड़ा चेंज हो रहा है। मोदी जी ऊपर ऊपर तो ठीक कर रहे हैं, नीचे नीचे ठीक नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो तानाशाही किए हैं, ये सब चीज़ आदमी को नहीं पसंद आ रहा है। विपक्ष में किसी तरह का विकल्प नज़र आता है? जब आपसे हम नाराज़ हैं, पहले आप हटिए, उसके बाद देखेंगे हम कौन बैठेगा। तो किसी पार्टी वार्टी के साथ नहीं है? पार्टी के साथ है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। नहीं नहीं देखिए देखिए, हमने क्या कहा, नहीं नहीं हमने क्या कहा, हमने आपको फैक्ट बताया। बात सत्ता पक्ष की होगी तो विपक्ष की भी होगी, बात अगर भव्य रोड शोज की होगी तो नुक्कड़ सभाओं की और इन गलियों में होने वाली चर्चाओं की भी होगी। भाई
रहे हैं। अरे 10 साल तो बहुत होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक एमपी के लिए 10 साल कम हो सकता है। डबल इंजन की सरकार आपकी है, तभी आप ये नहीं काम कर पा रहे। देखिए उसको ढका गया है। देखिए आप, पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी से देश थोड़ी चलता है, काम से देश चलता है, मुद्दों से देश चलता है, लोगों से देश चलता है। यंगस्टर्स क्या कह रहे हैं आपको, जैसे आप नौकरी चाहिए, दे आर डेस्परेट फॉर जॉब। ये हमारा न्याय पत्र है, जब हम इसको लेके लोगों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वो, देन द ओनली वर्ड दैट आई हैव टू से इज महंगाई। एंड देन ऑल दीज लेडीज दे आर सिटिंग देयर एंड दे आर लाइक, अरे बच्चिया ये बात सही है, मतलब दिस इज राइट। तो यहाँ प्रियंका जी भी कैंप करेंगी और राहुल जी भी आएंगे, अखिलेश जी भी आएंगे, केजरीवाल भी आएंगे, गठबंधन पूरा आएगा। असलियत में क्या चैलेंज है सबसे बड़ा ग्राउंड पर? बस मैं पैसे से कमजोर हूँ, वो पैसे से मजबूत है, उसे एक यही चैलेंज है। ठीक है, चुनाव लड़ रहा हूँ, पहचाने में अतहर जमाल लारी, चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप लोग क्या मुद्दों के साथ बात कर रहे हैं लोगों के साथ? भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। देखिए हमें आज़ादी संविधान से मिला है, हमें लोकतंत्र संविधान से मिला है, किसी धर्म तंत्र से नहीं मिला है। तो संविधान को तो बचाने की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सांपनाथ थी तो बीजेपी नागनाथ है, ये दोनों हम लोगों के लिए जहरीले हैं। तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी बुलडोजर भेज देंगे। क्यों भेजेंगे? क्यों भेज देंगे, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? और मायावती जी बहन जी को क्या मैसेज देंगे आप? ये बस अब हम नहीं कुछ बोलेंगे। बोलो, मैं बहन जी के बारे में बोलो, नहीं बोलियो आज। जब पेट खाली है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कितना रोड बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आप बहन जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब भी पूछता आप शर्मा जाते हो यार। लेकिन गरीबों के लिए रोजगार के लिए थोड़ा कर देते तो मोदी जी कभी भी जय श्री राम कभी हट नहीं सकता। बेटियां बाहर पढ़ती हैं मेरी, तो अभी पहले से की अपेक्षा डर नहीं रहा, लेकिन थोड़ी और सेफ्टी होनी चाहिए। ऐसा कोई जगह ना हो कि दिव्यांग लोगों वहाँ नहीं है। अगर हम नहीं उतरेंगे तो देश नहीं बचेगा। जनता अगर खुल के बता दे तब तो खुलासे ही हो जाए। मोदी जी से डर जाएं, डरने वाले नहीं हैं। बयान होंगे, नारे होंगे, सवाल होंगे, जवाब होंगे, लेकिन जो एक बात हमने सीखी वो ये है कि आपसी बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, होती रहनी चाहिए।